बंगाल टाइगर्स के स्क्वाड में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कोच वकार यूनिस का कहना है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। I'm keeping my fingers crossed that by before the tournament starts we'll get some more players and we'll be ready for the competition. T10 के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म्स आने लगे उनके बारे में उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में मैं समझता हूं you know it's something new, there's no harm कि हम उसको नई चीज को एक रूम दें, थोड़ा सा उसको असेस करें, उसको देखें कि क्या रंग लाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये T10 क्रिकेट जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं, आई थिंक दे विल शट अप वेरी क्विकली। जब वकार को बताया गया कि UAE प्लेयर्स इस उम्मीद में है कि इस फॉर्मेट में सुपर ओवर्स भी होंगे, उन्होंने कहा, ओह आई थिंक देयर विल बी फ्यू सुपर ओवर्स, बिकॉज एक तो फॉर्मेट छोटा है और इतनी फास्ट पेस है, यू नो द गेम्स आर गोना बी डिसाइडेड ऑन वन बॉल और कपल ऑफ रन्स हियर एंड देयर, सो एवरीवन गॉट टू बी ऑन देयर टोज। जब हम लोग 50 ओवर क्रिकेट खेलते थे तो सोचा था कि 20 ओवर शायद आसान होगी, एग्जैक्टली उसी तरह जब 20 ओवर से आप 10 ओवर में जाएंगे तो थिंग्स विल गेट हार्डर, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोना बी अ फास्ट पेस्ड गेम। T10 के लिए अब एक्साइटमेंट बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन बासित अहमद के साथ रजिया रुकनुद्दीन, AIY न्यूज़, शारजा।